हे गाइस, माय नेम इज अमृता। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ आप घर पे ही अपना मेकअप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको किसी पार्टी में जाना है या किसी ऑफिस इवेंट में जाना है तो आप लिमिटेड प्रोडक्ट से आप अपना मेकअप कैसे कर सकते हैं घर पे ही है। चलिए अब शुरू करते हैं। मेकअप करने से पहले प्रेपिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्किन की प्रेपिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट होता है। अगर आप स्किन की प्रेपिंग नहीं करती हैं तो आपका जो मेकअप है वो क्रैकी लुक क्रैकी दिखेगा और जो है बेस जो है अच्छे से सेट नहीं होगा। प्रैप करने का मतलब है कि जैसे अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। सबसे पहले आप क्लिनजर से क्लीन करेंगी, फिर टोनर से स्किन टोन करेंगी। टोनर स्प्रे करने के बाद डैप करेंगी, 2-3 सेकेंड रुकने के बाद आपको अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है आपके स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो वाटर बेस्ड ऑयल फ्री वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगी। जो मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन टोन है, तो मैं अपने स्किन की जो है क्लीनिंग और टोनिंग कर चुकी हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना बने। सबसे पहले मैं ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये ड्राई स्किन प्लस सेंसिटिव है, इस वेदर में मेरी जो स्किन है नॉर्मल टू ड्राई की हो रहे हैं। ये मैं डॉट डॉट करके यूज करूंगी। अब मैं ये 2 सेकेंड के लिए रुकूंगी। अभी मैंने मॉइस्चराइजर लगाया अपने फेस पे, इसके बाद मैं प्राइमर यूज करूंगी। और आप सोच रहे होंगे मैंने ये दो ऐसे बन क्यों बना रखे हैं, ये मैंने इसलिए बनाया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है हेयर सेटिंग के लिए, सलून जाने के लिए, तो आप अपने जैसे आपके बाल जो है 60% ड्राई होना चाहिए, 40% वेट होना चाहिए। उन हेयर में दो आप चोटी बना के ऐसे पहले पोनी बना लो। पोनी बनाने के बाद उसे जूड़ा बना लो दो। फिर जब तक आपका मेकअप ख़त्म नहीं होता आप उसे टक करके रखें। एंड में जब आपका मेकअप डन हो जाए, आप हल्का सा ड्रायर अगर आपके पास है आपके घर पे तो हल्का सा ड्रायर ये दोनों पे करें। उसके बाद आपको जो है घर बैठे ही ब्लो ड्रायर सेटिंग भी मिल जाएगा। इसलिए मैंने ये दो बन बना रखा है। अब मैं जो प्राइमर यूज़ करी हूँ ये मैक का प्राइमर है और ये बहुत अच्छा है प्राइमर, ऑल स्किन टाइप है। ये भी मैं डॉट डॉट करके यूज़ करूँगी। प्राइमर यूज़ करने का बेनिफिट ये है, ये हमारे हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है, काफ़ी टाइम स्टे रखता है। ये हमारे स्किन और मेकअप के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है। अगर आपके पास मैक का प्राइमर नहीं है, आप उसके बदले मैबलिन का प्राइमर भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा है। अब मैं जो यूज़ करने जा रही हूँ रायलोन का डर्मा यूज़ करने जा रही हूँ। आप सोचे होंगे मेरी स्किन अगर नॉर्मल टू ड्राई है तो मैं डर्मा क्यों यूज़ कर रही हूँ। ये जो वेदर है ये ह्यूमिड वेदर है, इसमें स्वेटिंग होती है तो बहुत स्किन बहुत स्टिकी होती है, इसलिए मैं डर्मा यूज़ करने जा रही हूँ। डर्मा जो होता है क्रायलोन का वो फॉर ऑयल स्किन के लिए होता है और जो सुप्रा होता है वो ड्राई स्किन के लिए होता है क्योंकि वो क्रीम बेस होता है। और ये जो मैं यूज़ आपने देखा होगा मेरे फेस पे ब्लैमिसेस हैं, थोड़ा सा डार्क सर्कल भी है, तो मैं सबसे पहले ये डर्मा का D35 यूज़ कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा डर्मा का D35, ये ऑरेंज करेक्टर बोलते हैं हम इसे। फिंगर से ही जहाँ पे आपको लगे आपके मार्क्स है, मेरे ये ब्लैमिसेस है, मैं इसको कवर कर रही हूँ फिंगर से। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है इसको। अगर आप लोगों के कोई भी मार्क नहीं है, कोई स्पॉट्स नहीं है फेस पे, तो आप चाहे तो ये स्किप कर सकती हैं। बाद जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ डर्मा का D5 यूज़ कर रही हूँ, इसको भी मैं फिंगर से ही डैप करके लगाऊंगी। अपने नेक को कवर करना ना भूले, उससे डिफरेंस अपने नेक को कवर करना ना भूले, उससे जो है डिफरेंस लगेगा आपके नेक पे। आपके ईयर को भी कवर करना ना भूले।
मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से इसको ब्लेंड करूँगी। चाहे तो फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हैं तो सबसे पहले इसे वेट करना बहुत ज़रूरी है, और इससे जो है आपके बेस की जो ब्लेंडिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। सिर्फ डैपिंग करना है आपको। के बाद जो है टी जोन को हाईलाइट और ये चिक बोन को हाईलाइट करने के लिए ये मैं D4 यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा लाइट कलर है। अगर आपके पास बेस नहीं है तो आप लॉरियल या मैबलिन का फाउंडेशन यूज़ कर सकती हैं। अब मैं अपना बेस बना चुकी हूँ। जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो कॉम्पैक्ट का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्लोइंग लुक पसंद है। अगर आपको बिल्कुल सटल नेचुरल चाहिए तो आप कॉम्पैक्ट का यूज़ कर सकती हैं। और अब मैं जो यूज़ करने जा रही हूँ वो लिपस्टिक, आप देखिए लिमिटेड प्रोडक्ट से आप कैसे अपना मेकअप अच्छा सा कर सकती हैं। मैंने जो यूज़ किया बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट है। एक प्राइमर है और एक मॉइस्चराइज़र है, एक लिपस्टिक है और बेस है और आईब्रो जिंक और मस्कारा है। इसी से आप अपना मेकअप अच्छा सा कर सकते हैं। इसके बाद मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज फिल करूँगी। हमेशा ब्राउन कलर के पेंसिल से मैं ये जो यूज़ कर रही हूँ आईब्रोज फिल करने के लिए, ये बेनिफिट का ब्रो जिंक यूज़ कर रही हूँ। इसमें दो शेड हैं, एक तो वेट में है और एक वेट में है डार्क ब्राउन कलर, एक ड्राई फॉर्म में है जो लाइट ब्राउन कलर है। अगर आपके पास चाहे तो आप कोई भी ब्राउन पेंसिल यूज़ कर सकती हैं आईब्रोज फिल करने के लिए। मैं अपने आईब्रोज फिल कर चुकी हूँ। अब इसके बाद जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ आई शेडो के लिए, ये ब्राउन पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये कलर बार का ब्राउन पेंसिल है। ये मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ, मैबलिन का जेल लाइनर, बहुत अच्छा है ये। इसके बाद मैं ये रेवलॉन का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ब्लशर के लिए। इसको बस फिंगर से आपने लेना है और स्माइल करना है, मर्ज कर देना है। आँखों को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए मैं वही ब्राउन पेंसिल अपने आँखों के नीचे यूज़ करूँगी, वाटर लाइन से नीचे। मैं अपने आँखों पे काजल नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरी आईज़ जो है छोटी हैं, काजल लगाने से आईज़ थोड़ी छोटी लगती हैं। नॉर्मली मैं या तो वाइट पेंसिल का यूज़ करती हूँ, नहीं तो नीचे ब्राउन लाइन जो मैंने अभी लगाया आपके सामने, ब्राउन लिप पेंसिल जो लगाया है वाटर लाइन से नीचे, जिससे मेरी आंखें थोड़ी सी बड़ी लगेंगी। अब मैं जो लगाने जा रही हूँ वो मस्कारा है। मस्कारा लगाने से पहले आप अपने ब्रश, मस्कारे के ब्रश को अच्छे से क्लीन कर लें। अगर आप डायरेक्ट लगाती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मस्कारा होता है, जिससे हमारी जो आईलैश है वो बहुत क्लम्जी लुक देता है, क्योंकि बहुत ओवर कोटिंग हो जाती है मस्कारे की। लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ। लिपस्टिक भी मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये मैक की लिपस्टिक है, और लिप लाइनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो कलर बार का यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने बालों में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो मैंने बर्न बना रखा है ये ताकि आप घर बैठे ही आपको किसी सलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल ब्लो ड्रायर होगा। अब मैं इनमें एक बार ड्रायर करूँगी। ड्रायर है, इसमें जो है आपके बाल ख़राब भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं लगा है, जैसे कि आपने देखा आपको किसी सलून जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।